कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी मिर्जापुर में मां विंध्यावासिनी के दर्शन करने पहुंचे, जहां प्रमोद तिवारी ने दर्शन पूजन के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने गुजरात मामलों में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि गुजरात में उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है और पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बदला दे रहे हैं ब्याज के सहित उत्तर प्रदेश के लोगों का, जिन्होंने उन्हें 73 सीटें दी जब कोई आसरा और सहारा नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी ने उन्हें सांसद बना के भेजा, और अगर ये 73 एमपी उत्तर प्रदेश ने न दिए होते तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसका बदला वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से कर रहे हैं, ये उनकी आदत में शुमार है। अडवाणी जी ने न बचाया होता तो प्रधानमंत्री न बनते। अडवाणी जी की जो हालत थी आज उत्तर प्रदेश में, वहाँ के जो लोग आ रहे हैं निरंतर मेरे संपर्क में हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, घरों से जबरन निकाल के तालाबंद किया जा रहा है, उनका जो वाहन है वो जलाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो घृणा की राजनीति गुजरात बनाम पैदा किया अमित शाह ने, आज उसका नतीजा है। वहीं प्रमोद तिवारी ने रायबरेली में हुए रेल हादसे पर दुख जताया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ने रेलवे का किराया तो बढ़ा दिया लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से बिरजलाल मौर्य की रिपोर्ट।